हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में और जो इसके फोर बैरियर्स हैं उनके बारे में। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो मीनिंग है इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी दैट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट To fight against the pathogens, that is known as immunity। क्या कहते हैं इसे हम? Immunity कहेंगे। Okay? यहाँ पे एक टर्म आती है susceptibility। Susceptibility means lack of immunity, that is known as susceptibility। Okay? तो जो इम्यूनिटी है इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी, सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है इट इज फ्रॉम बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट पैथोजेंस। ओके, चार बैरियर हैं इसके, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ओके, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो जो लाइन ऑफ डिफेंस है, थ्री लाइन ऑफ डिफेंस है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें आते हैं फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जो कैसा है, पैथोजन स्पेसिफिक है, उसमें आती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में आएगा? अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो यहां पे हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो चार तरह के बैरियर हैं यहां पर। फर्स्ट जो है फिजिकल बैरियर, फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में जो फर्स्ट है हमारा दैट इज स्किन। कौन सा है? स्किन। जो स्किन है दैट मेक आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। ओके, और स्पेसिफिक लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम। जो स्पेसिफिक लेयर है स्किन की दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस। तो प्रोटेक्ट करती है किससे? पैथोजन से। ओके, फिजिकली ये क्या है? एक बैरियर प्रोवाइड करती है किसके बीच में? इंटरनल टिश्यूज के बीच में और जो हमारे पैथोजेंस हैं उनके बीच में। सेकंड जो हमारा आएगा यहां पे फिजिकल बैरियर में ही जो सेकंड है दैट इज म्यूकस। सेकंड इज म्यूकस। सिक्रीट होती है कहां से? म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ओके, प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रोटेक्ट करेगी किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ओके, डस्ट पार्टिकल्स पैथोजेंस आर कैप्चर्ड by the mucus and swallowed and then ejected out। उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है by the process of ejection। okay, और यहां पे main role कौन play कर रहे हैं? cilia sweeps out
स्वीप्स आउट पैथोजन, पैथोजन को बाहर निकाल देते हैं. ओके तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर. सेकंड आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो जो ये फिजिकल बैरियर है हमारा, ये भी किसमें है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में. किसमें है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी. ओके सेकंड इसमें आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. जो सेकंड है हमारे दे आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर हो गया हमारा, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा एसिड HCl फ्रॉम स्टमक, HCl फ्रॉम स्टमक किल पैथोजेंस जो एंटर करते हैं हमारे स्टमक में विद फूड. ओके सेकंड बाइल फ्रॉम लीवर ऑल्सो किल्स वेरियस पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी स्पेशली कहां पे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. ओके थर्ड सिरुमेन, थर्ड वन इज सिरुमेन ईयर वैक्स. इट डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया माइक्रोब्स टू एंटर इनसाइड द ईयर. ओके फोर्थ वन इज लाइसोजाइम, कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन टीयर्स एंड सलाइवा. ये भी क्या करते हैं? किल करते हैं माइक्रोब्स को. ओके फिफ्थ नेजल हेयर, नेजल हेयर जो प्रेजेंट है हमारी नोज में दे ऑल्सो ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, डज नॉट अलाउ देम टू एंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सिक्स्थ यूरिन रिमूव आउट पैथोजेंस फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकाल देते हैं. वेजाइनल सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन जो वेजाइनल सिक्रीशन है इसका नेचर केस कैसा है? इट इज एसिडिक. और ये भी क्या करता है? किल्स द पैथोजन विच आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. स्वेट किल्स द पैथोजेंस ओवर स्किन, जो स्किन के ऊपर पैथोजेंस प्रेजेंट है उनको किल करते हैं स्वेट. ओके तो ये था हमारे किसके बारे में? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ओके देन नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके कुछ पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर. ओके तो वहां पर हमारा काम करता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. ओके जिसमें फर्स्ट आता है हमारा सेलुलर बैरियर. फर्स्ट वन क्या है? सेलुलर बैरियर. ओके तो जो स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो किल करेंगे किनको? पैथोजेंस को. ओके फर्स्ट इसमें हमारे आते हैं ल्यूकोसाइट्स. फर्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट्स ऑल्सो नोन एज WBC. WBC साथ के साथ क्या कहते हैं हम इन्हें? सोल्जर्स ऑफ बॉडी. क्या कहेंगे इन्हें हम? सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहेंगे. ओके तो इसमें ल्यूकोसाइट्स में भी मेनली हमारे दो तरीके के हैं. जो फर्स्ट है PMNL,
न्यूट्रोफिल्स. ओके, PMNL की फुल फॉर्म क्या है? पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स तो इनका नाम ऐसे क्यों? पॉली मॉर्फो यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. न्यूक्लियस कैसा है इसका? मल्टीलोब्ड है. ओके, और कैसा नेचर है इनका न्यूट्रोफिल्स का? फैगोसाइटिक इन नेचर. कैसा है? फैगोसाइटिक है नेचर में. और फैगोसाइटिक का मतलब क्या है? एंगल्फ दी पैथोजन. पैथोजन को क्या कर जाएंगे? ये एंगल्फ कर जाएंगे. इज दैट क्लियर? और ये 40 to 70% ऑफ ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड ल्यूकोसाइट्स में ही जो हमारे सेकंड है दैट इज मोनोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स में ही जो हमारे सेकंड आते हैं दैट इज मोनोसाइट्स. जो मोनोसाइट्स हैं कैसे हैं? ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं. कैसे हैं ये? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं. ओके, न्यूक्लियस कैसा है इनका? न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड. न्यूक्लियस किस तरीके का है? बीन शेप्ड है. नेचर कैसा है इनका? मोटाइल एंड फैगोसाइटिक. मोटाइल एंड फैगोसाइटिक. ओके, जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स चेंजेस इनटू मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेज में बदल जाते हैं कब? ऑन मैच्यूरेशन. ऑन मैच्यूरेशन. और कब? आफ्टर एंटरिंग इनटू द टिश्यू. टिश्यू के अंदर एंटर करने के बाद जो मोनोसाइट्स हैं दे चेंजेस इनटू मैक्रोफेजेस. किसमें चेंज हो जाएंगे? मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाएंगे. ओके, सेकंड जो आते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स के बाद जो सेकंड सेल्स हैं वो कौन से हैं हमारे? दे आर मैक्रोफेजेस. सेकंड वन इज मैक्रोफेजेस. जो मैक्रोफेजेस हैं नेचर कैसा है इनका? अभी बताया, फैगोसाइटिक. और फैगोसाइटिक का मतलब क्या? एंगल्फ दी पैथोजन. ओके, सर्कुलेट्स इनटू द ब्लड फॉर 8 hours. 8 घंटे तक ये ब्लड में ही मूव करते रहेंगे और उसके बाद देन एंटर इनटू टिश्यू और फिर एंटर कर जाएंगे टिश्यू के अंदर. इज दैट क्लियर? ओके, क्या है इनके अंदर? लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट. लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर. ओके, और जो ये मैक्रोफेजेस हैं ये भी कितने तरह के हैं? दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट इज फिक्स्ड मैक्रोफेजेस रिमेन इन पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन. ओके, जो सेकंड होंगे वो कौन से होंगे? वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, जो क्या करते रहते हैं? रिमेन्स सर्कुलेटिंग इन द कंप्लीट बॉडी. ओके, और किस तरह की मूवमेंट होती है? अमीबॉइड मूवमेंट. किस तरह की होगी मूवमेंट? अमीबॉइड मूवमेंट होगी. ओके, पर्टिकुलर नाम भी हैं, जैसे हिस्टियोसाइट्स. तो हिस्टियोसाइट्स क्या होंगे? मैक्रोफेजेस कहां के? कनेक्टिव टिश्यू के. तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हिस्टियोसाइट्स. पफर सेल
कफर सेल्स, तो ये होंगे मैक्रोफेजेस कहां के, लीवर के, ओके। थर्ड माइक्रोग्लियल, माइक्रोग्लियल सेल ये कहां के हैं, ब्रेन के, ओके। एंड ऑस्टियोक्लास्ट, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ऑस्टियोक्लास्ट, और ये कहां के हैं, बोन के, जो मैक्रोफेजेस हैं, ओके। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें हमारा, दैट इज एनके सेल्स, थर्ड वन इज एनके सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। जो नेक्स्ट होंगे कौन से हो जाएंगे हमारे, नेचुरल किलर सेल्स। थर्ड नेचुरल किलर सेल्स क्या है, एक तरह के लिम्फोसाइट्स, और कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन स्प्लीन, रेड बोन मैरो, स्प्लीन में और रेड बोन मैरो में प्रेजेंट हैं, जो है हमारे नेचुरल किलर सेल्स, ओके। और ये क्या करते हैं, किल करते हैं पैथोजेंस को दो तरीके से, टू वेज टू किल पैथोजेंस, दो तरीके से किल करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है बाय रिलीज ऑफ परफोरिंस, रिलीज ऑफ परफोरिंस, परफोरिंस क्या है, परफोरिंस आर प्रोटीन्स which leads to cytolysis, यानी कि breakdown of cells of outer membrane, outer cell के जो membrane, outer membrane के जो cell है उनको क्या करना, breakdown करना, okay। जिसकी वजह से क्या होगा, causes pores हो जाएंगे, उसकी वजह से thus water enters in pathogen, water enter करेंगे pathogen में, then pathogen swells, pathogen फूल जाएगा and burst off, और वो फट जाएगा and finally that will be killed, okay। then second जो है इसमें हमारा, that is apoptosis, apoptosis, ओके, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इन दो तरीके से जो नेचुरल किलर सेल हैं वो कंट्रोल करते हैं किनको, माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को, हमारी बॉडी को अफेक्ट करने से, ओके। देन नेक्स्ट है इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो नेक्स्ट सेल्स हैं वो कौन से हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट सेल्स, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कह देते हैं इसे, ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो यहां पे हो क्या रहा है, इन इट 20 प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, 20 प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड विच एक्ट एज, तो 20 प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व है इम्यून सिस्टम में, और ये क्या है, विच एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स, जो प्रिकर्सर है किनकी, एंजाइम्स की, ओके, प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर, जो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स, उनकी क्या है, ये प्रिकर्सर है, ओके। तो इस केस में होगा क्या, इसके बारे में बताया, एरिच, एलरिच ने बताया किसके बारे में, वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ओके। और ये क्या करते हैं, एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू द इम्यून सेल्स,
इम्यूनोसेल्स के तरीके से, ओके, एंड किल्स पैथोजन। पैथोजन को किल करेंगे किस तरीके से? फर्स्ट बाय रिलीज ऑफ परफोरिंस, साइटोलाइसिस करेंगे, ओके, सेकंड इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, ओके, एंड थर्ड वन विल बी ऑफ फैगोसाइटोसिस होगा किसका? पैथोजेंस का, ओके। लास्ट इसमें आता है हमारा इन्फ्लेमेशन। जो लास्ट वन है दैट इज इन्फ्लेमेशन, फिफ्थ। तो जो इन्फ्लेमेशन है ये भी क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। और सिम्टम्स क्या है इसमें? सिम्टम्स रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड टिश्यूज, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड टिश्यूज। और ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट इन्फेक्शन टू दी अदर सेल्स तक ये इन्फेक्शन को क्या करेगा? स्टॉप करेगा, ओके। इसमें एक आ जाता है हमारा मास्ट सेल, ध्यान देंगे काफी इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामाइंस, और ये क्या करता है? कॉजेस dilation of blood vessels and capillaries, ओके। देन लास्ट इसमें जो है हमारा दैट इज साइटोकाइन बैरियर। जो लास्ट वन है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ये भी हमारा किसमें है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही है, साइटोकाइन बैरियर। तो जो साइटोकाइन बैरियर है इट इज नोन एज केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम, केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं इसमें। फर्स्ट interleukins are produced from leukocytes। जो interleukins हैं वो कहां से produce हो रहे हैं? They are produced from leukocytes। And second interferons। तो interferons क्या हैं? Antiviral glycoproteins produced कहां से? From virus attacked cells। और किस चीज के लिए? To protect the surrounding cells from further infection से बचाने के लिए, ओके। तो ये था किसके बारे में? अबाउट इनेट इम्यूनिटी। किसके बारे में था ये हमारा? अबाउट इनेट इम्यूनिटी के बारे में। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारा वो किसमें आ रहा है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। किसमें आ रहा है हमारा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, ओके। इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बात कर लेते हैं हम। इनेट इम्यूनिटी डन। जो नेक्स्ट है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कितने तरह की है ये? इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह की है ये? टू टाइप है। फर्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी।
ओके जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें जो इम्यूनिटी जो बॉडी खुद डेवलप करेगी, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑन बॉडी सेल्स, जबकि पैसिव के केस में क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम अनदर आउटर ऑर्गेनिज्म। ओके ये कैसे एक्ट करेगी, स्लो एक्टिंग, धीरे काम करेगी जो एक्टिव इम्यूनिटी है। ये कैसे करेगी, फास्ट एक्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग। ओके जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है रिमेन फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, ये थोड़े ही समय के लिए रहेगी। ओके तो फिर इनके भी टाइप्स आ जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के भी टाइप्स। इधर हमने लिख लिया फर्स्ट नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और सेकंड है इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप हैं, फर्स्ट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके तो फर्स्ट नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद डेवलप करेगा इम्यूनिटी। ओके फॉर एग्जांपल इसमें हमारा एक एग्जांपल आ जाता है क्या, स्मॉल एन ऑर्गेनिज्म डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स नेचुरली। ओके नेचुरली वो स्मॉल पॉक्स से अपने आप को क्या कर पा रहा है, बचा पा रहा है। इज दैट क्लियर। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, वैक्सीन्स आर प्रोवाइडेड टू ह्यूमन so as to protect naturally from pathogen, naturally from pathogen। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है साल्क वैक्सीन, इसके अगेंस्ट पोलियो के अगेंस्ट, सेकेंड BCG किसके अगेंस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। ओके देन थर्ड एंटी रेबीज वैक्सीन, किसके अगेंस्ट, रेबीज के अगेंस्ट। ओके देन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से दी जा रही है, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है जैसे IgG गिवन बाय मदर टू दी फिटस थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाती है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सेकेंड IgA फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न बेबी, और कैसे जाएगी, इसके थ्रू कोलोस्ट्रम, इसके थ्रू जाएगी कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है। ओके लास्ट जो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें है हमारा ATS यानी कि एंटी टेटनस सीरम, किससे, ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्स, और हॉर्स में इंसर्ट किया गया था, क्या इंसर्ट किया गया था, हॉर्स इंसर्टेड
with tetanus toxoid. इसको क्या कराया गया? ब्लीडिंग एंड देन सीरम सेपरेटेड. और ये जो एटीएस है, एंटी टेटनस सीरम, किससे? ये जो सीरम सेपरेटेड है वो, ओके, एटीएस दी जाती है किसको? गिवन टू ह्यूमन. किससे बचाने के लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टेटनस, टेटनस से बचाने के लिए. ओके, तो ये डिफरेंस था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में. ओके, थैंक यू.